दोस्तों, हम सभी लोग अपने जीवन में एक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं, इसलिए तरह तरह की चीजों को खरीदने में हम काफी पैसा और समय भी बिताते हैं। यह बात पूरी तरह सच है कि ज्यादातर लोगों के मन में अक्सर चीजों को खाते समय या खरीदते समय यह सवाल आता ही नहीं कि वह चीजें आखिर बनाई कैसे जाती है और उन्हें बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। विक्रेता यानी कि बेचने वाले के नजरिए से अगर देखा जाए तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति या कंपनी जिसके हजारों लाखों कस्टमर हो और उसकी रोजाना बिक्री बढ़ती भी जा रही हो, तो ऐसे में पैसे और समय को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगा। इसलिए कई बार अपनी चीजों में अजीबोगरीब सामग्री के इस्तेमाल से और बनाने के तरीके में कुछ शॉर्टकट अपनाने से मुनाफे यानी कि प्रॉफिट और सेल्स को सीधे दुगना किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही खाई जाने वाली चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो कि कैसे बनती है, यह जान लेने के बाद शायद आप उनका इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे। कैप्सूल्स। कैप्सूल दिखने में तो वैसे प्लास्टिक की तरह लगता है, लेकिन दरअसल ये प्लास्टिक का होता नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक को पचाया नहीं जा सकता। कैप्सूल दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर दवाई होती है और ऊपर कवर होता है। इस कवर की मदद से ही अंदर मौजूद दवाई लंबे समय तक चलती है और चिकना होने की वजह से यह हमारे गले से फिसलते हुए अंदर जाता है और इसे निगलना भी आसान हो जाता है। कैप्सूल का जो ऊपरी कवर होता है वह असल में जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन एक पूरी तरह नॉन वेगन यानी कि मांसाहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह हमें जानवरों के शरीर से ही प्राप्त होता है और खासकर कैप्सूल बनाने के लिए बुल यानी कि सांड और सुअर, इन दोनों ही जानवरों का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इनके खूर, हड्डियों और जोड़ों पर पाए जाने वाले टिश्यूज को उबालकर फैक्ट्री में अच्छी तरह प्रोसेस करके जिलेटिन का निर्माण किया जाता है। जिलेटिन बन जाने के बाद ना तो इसका अपना कोई स्वाद होता है और ना ही खुशबू, और दिखने में भी यह प्लास्टिक की तरह ही दिखाई देता है। इसके अलावा एक और प्रकार का कैप्सूल होता है जो कि पेड़ पौधों की मदद से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में लगभग 98% कंपनियां कैप्सूल्स केवल जिलेटिन के इस्तेमाल से ही बनाती है, क्योंकि पेड़ पौधों की मदद से कैप्सूल्स बनाने में 3 से 4 गुना ज्यादा लागत लगती है। इसलिए इस तरीके को अपनाने पर दवाइयों का दाम भी बढ़ता जाएगा और 500 रुपए में मिलने वाली दवाइयां सिर्फ कैप्सूल के ऊपरी खोल को बदल देने से 1500 से 2000 रुपए की पड़ने लगेगी। प्रोसेस्ड ब्रेड और केक। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि प्रोसेस्ड चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए आजकल हर व्यक्ति ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने आप को ऐसी चीजें खाने और खरीदने से नहीं रोक पाते। फिर चाहे पैकेट में मिलने वाले नरम केक हो या पिज्जा बर्गर में इस्तेमाल की जाने वाली ब्रेड हो, इन सभी में कुछ ऐसा पाया जाता है जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद चिंता का विषय बन सकता है। ज्यादातर ब्रेड और ब्रेड के इस्तेमाल से बनी चीजों में L-cysteine नामक केमिकल का इस्तेमाल होता है। ब्रेड, बिस्किट या कुकी बनाने की शुरुआत आटे को गूंथने से होती है। L-cysteine के इस्तेमाल से आटा ज्यादा नरम हो जाता है, जिससे कि मशीन में जाने पर इसे किसी भी आकार में ढालना आसान हो जाता है और ब्रेड, केक वगैरह ज्यादा नरम और सॉफ्ट बनते हैं। L-cysteine केमिकल वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन इसे बनाने में जो सबसे मुख्य चीजें इस्तेमाल होती है वह है इंसान के बाल। जी हाँ, आपने सही सुना, L-cysteine को मुख्यतः चीन और जापान की कंपनियां बनाती है और वो लोग इस केमिकल को बनाने के लिए महिलाओं द्वारा बेचे गए बालों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई विदेशी कंपनियां इसे बनाने के लिए बतख और दूसरे पक्षियों के पंखों का भी इस्तेमाल करते हैं। पानीपुरी। पानीपुरी या गोलगप्पे का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ ही जाता है, लेकिन कई लोग इसे अनहाइजेनिक और सेहत के लिए अच्छा नहीं समझते, क्योंकि अक्सर कई जगहों पर इसे खिलाने वाला व्यक्ति इसमें पूरे समय अपने हाथों का इस्तेमाल करता ही रहता है। क्या आप जानते हैं पानीपुरी के चटपटे पानी और मसाले से भी ज्यादा हानिकारक इसकी कुरकुरी पूरियां होती है। सड़कों के किनारों पर और चौपाटियों में ज्यादातर ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले गोलगप्पे खुद बनाने की जगह बाहर की फैक्ट्रियों से खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके पैसे और समय दोनों की बचत होती है। गोलगप्पे का व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। जिन लोगों द्वारा और जिन जगहों पर यह बनाए जाते हैं वहाँ साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं होता। इसे बनाने के लिए सस्ती और गंदी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही जब तक तेल जलकर पूरी तरह काला नहीं हो जाता तब तक उसे लगातार यूज में किया जाता है।
इस तरह का तेल हमारी सेहत के लिए जरूरत से ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा कई जगहों पर मशीनों की कमी के चलते आटा जमीन पर ही पैरों के जरिए गुथा जाता है, जिससे कि उस आटे में गंदगी, पसीना और वहाँ मौजूद तरह तरह के बैक्टीरिया भी मिक्स हो जाते हैं। कई बार जब ऐसी जगहों पर छापा मारा जाता है तो उनका यही कहना होता है कि केवल वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग इस तरीके का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जब गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खाने के बाद इनके स्वाद से इनमें मौजूद गंदगी का हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमेशा इस तरह की चीजें किसी अच्छी और भरोसे वाली जगह से ही खाना चाहिए। आलू की चिप्स। सुनने में ऐसा लगता है कि आलू की चिप्स में आलू के अलावा क्या हो सकता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति इन्हें खाने से इनकार करेगा। ज्यादातर लोगों को पता है कि आलू की चिप्स हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि शरीर का मोटापा बढ़ता है। लेकिन फिर भी यह इतनी टेस्टी होती है कि हम इन्हें खाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। लोकल चिप्स की बात ना करते हुए अगर उन बड़ी कंपनियों की बात करें जिनके पैकेट में चिप्स से ज्यादा गैस भरी होती है, उनके द्वारा बनाए जाने वाली चिप्स में सोडियम बाइसल्फेट पाया जाता है। सोडियम बाइसल्फेट ज्यादातर शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश और एंटी फंगल लोशन में पाया जाता है, क्योंकि सोडियम बाइसल्फेट का मुख्य काम बैक्टीरिया को खत्म करना होता है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि उनकी चिप्स लंबे समय तक खराब ना हो और लंबे समय तक उनका कलर फ्रेश जैसा ही नजर आए। कम मात्रा में अगर इनका सेवन किया जाए तो इनसे हमारे शरीर पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग ज्यादा चिप्स खाते हैं उन्हें इससे जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। च्युइंगम। च्युइंगम का इस्तेमाल हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किया ही होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मुंह की बदबू दूर करने के लिए बार बार खाते रहते हैं। पुराने समय में च्युइंगम चीकू के पेड़ से निकलने वाले गोंद से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल इसे बनाने के लिए पॉलीइज़ोब्यूटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सरल भाषा में आप प्लास्टिक या रबड़ भी कह सकते हैं। यह वही रबड़ है जिससे कि टायर के ट्यूब और रबर की टेप जैसी चीजों को बनाया जाता है। च्युइंगम बनाने के लिए इस रबर को पिघलाकर इसमें मिंट, मेंथॉल और तरह तरह के फ्लेवर्स मिला दिए जाते हैं, जिससे कि इसका स्वाद अच्छा बन जाता है। जब तक हम इसे चबा रहे होते हैं तब तक तो इसका हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गलती से अगर कोई इसे निगल लेता है तो फिर यह एक परेशानी वाला विषय जरूर बन सकता है। रबर और प्लास्टिक जैसी चीजें हमारा पेट पचा नहीं सकता और इस वजह से हो सकता है कि खाई हुई च्युइंगम लंबे समय तक पेट में ही रह जाए। आज की इस वीडियो में बताई गई सभी चीजों के अलावा इस तरह की और भी कई चीजें हैं जो कि कई अजीबोगरीब तरीके से बनाई जाती है, और वह चीजें कौन सी हैं इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे।